तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एके मोटर टॉक। मैं हूं आपका होस्ट रक्षांश भट्ट और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू हुंडई एल्काज़ार मिड वेरिएंट। आप देख रहे हैं प्लेटिनियम ब्लैक कलर के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर्स आपको इस वेरिएंट में अवेलेबल हो जाते हैं, सारी डिटेल में बात करेंगे आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रंट लुक की बात करूँ हुंडई एल्काज़ार की, तो यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा सा आपको ग्रिल न्यू कर दी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करा रही है। और यहाँ पर हेडलैम्प टायर और बीम आपको हेडलैम्प्स अवेलेबल हो जाते हैं सेम एज इट इज़ क्रेटा की तरह, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा क्रोम फिनिशिंग वर्क ज़्यादा किया है इसके अंदर, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फॉग लैम्प और इंडिकेटर के साथ आपको क्रोम फिनिशिंग अवेलेबल हो जाती है। फ्रंट जितनी भी लाइट्स है वो सारी आपको LEDs व्हाइट कलर में अवेलेबल हो जाती है। ये नीचे की तरफ आप स्किड प्लेट्स देख सकते हैं, सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट्स अवेलेबल हो जाती है, जो कि एक गाड़ी को SUV फील प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो कट्स हैं इस गाड़ी के ऊपर, जो बॉडी कट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया SUV वाली फीलिंग आपको करा रहे हैं। क्रेटा में भी सेम आपको मिलते हैं, लेकिन उस गाड़ी में आपको थोड़ा नीची फील होती है, वो गाड़ी आपको एक SUV वाली फीलिंग नहीं आती। यहाँ पर ओवरऑल लुक देखेंगे आप तो एक बड़ी गाड़ी की आपको फीलिंग अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर 17 इंच के आपको बड़े से टायर्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी विड्थ बहुत ही अच्छी है, 205 है। डायमंड कट ड्यूअल टोन आपको व्हील्स अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं ORVM की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके साथ आप की से लॉक और अनलॉक करेंगे तो आपको साउंड भी अवेलेबल हो जाएगा, वो भी हॉर्न का। तो यहाँ पर कीलेस पैसिव एंट्री आपको अवेलेबल हो जाती है। नीचे की तरफ आप देखेंगे साइड में सिल्वर फिनिश आपको अवेलेबल हो जाती है। 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इस गाड़ी के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इस गाड़ी को अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको मिड वेरिएंट के अंदर भी ही बेस वेरिएंट से ही आपको पैनोरमिक सनरूफ स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। बैक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो ग्लास एक्सटेंड किया हुआ है, जो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। नॉर्मली क्रेटा की तरह ही है फ्रंट से अगर आप ओवरऑल देखें ग्रिल को छोड़कर। बाकी जो बैक लुक है मुझे पर्सनली डिसेंट लगे हैं, सब लोग बोलते हैं ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, डिसेंट है। SUV ज़्यादा लग रही है। अगर आप क्रेटा के बैक लुक देखेंगे थोड़ी आपको नीचे दबी दबी लगेगी। एल्काज़ार की आपको ब्रेजिंग मिलेगी क्रोम फिनिशिंग के साथ, लेकिन आप एक नोटिस करेगा ये क्रोम थोड़ा डार्क है। यहाँ पर फुल्ली LED टेल लैंप्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। रियर रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं, पार्किंग सेंसर आपको 4 अवेलेबल हो जाते हैं, हुंडई का बीच में लोगो मिल जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा लगता है। वाइपर वॉशर और डिफॉगर तीनों ही आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर शार्प फिन एंटीना आप देख सकते हैं बॉडी कलर में, और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफॉगर, मैं कैमरा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट आपको जो मिल जाता है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। स्किड प्लेट्स भी आपको सिल्वर कलर की रियर में अवेलेबल हो जाती है। ओवरऑल बैक लुक मुझे डिसेंट लगा और ठीक ठाक लगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। 2.0 मतलब 2 लीटर का इस गाड़ी के अंदर इंजन आपको अवेलेबल हो जाता है, पेट्रोल इंजन, जिसकी बैजिंग आपको मिल जाती है यहाँ पर ही। वेरिएंट की कोई बैजिंग नहीं है। तो ये था बैक ओवरऑल लुक, यहाँ पर फ्यूल लीड आपको अवेलेबल हो जाती है। चलिए गाड़ी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको पैसिव एंट्री अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर आप डोर के ऊपर देखेंगे, डोर हैंडल्स के ऊपर थोड़ा डार्क क्रोम आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी, कुछ यूनिक ट्राई किया है हुंडई वालों ने इस बार। यहाँ पर इंटीरियर देख सकते हैं डिफरेंट कलर के आपको मिल जाते हैं, क्रेटा में आपको ब्राउन मिलते हैं वाइट कलर के टाइप के। यहाँ पर सिल्वर डोर हैंडल आप देख सकते हैं, और पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर बॉटल होल्डर 1 लीटर के आप रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको सीट्स मिल जाती हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, और इनका फील भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इसका प्लेट्स आपको अवेलेबल हो जाती है सिल्वर फिनिशिंग के साथ। पोज के आपको स्पीकर इस गाड़ी में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये है ओवरऑल इसका इंटीरियर, आप देख लीजिए इस प्रकार से लुक आपको अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स आपको, यहाँ पर इसके बटन्स अवेलेबल हो जाते हैं।
गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं सारे फीचर्स। मुझे इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो 10 इंच की इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MID, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। इसमें सारे फीचर्स में हमको बता देते हैं, अभी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर बीच में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर एनिमेशन आप देख सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो जाता है कुछ वेलकम फंक्शन के साथ हुंडई का। तो कार को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एसेसरी हमने स्टार्ट कर ली है एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार को आपको वेलकम फंक्शन के साथ एनिमेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो थीम है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी आपको इसके अंदर 5 थीम अवेलेबल हो जाती है, 4 to 5 थीम अवेलेबल हो जाती है, वो वीडियो में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आपको अवेलेबल हो जाता है, 1 टच क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। हुंडई का बीच में लोगो मिल जाता है, टिकट स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के आपको कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के। ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी है स्टीयरिंग की, जो लेदर रैप आपको स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल हो जाती है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ब्लू कलर मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें आप नेविगेशन वगैरह कंपास भी चला सकते हैं, नेविगेशन टर्न्स को भी आपको बताएगा। बाकी नॉर्मल सारे फीचर आपको क्रेटा मिलते हैं, वही सेम आपको मिलेंगे। और इंडिकेटर देने पर आपको राइट साइड, अगर आप इंडिकेटर दे रहे हैं तो उसके जो कैमरा है वो चालू हो जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे कुछ इस फीचर इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा डिटेल में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लाऊं इसका डिटेल में लाऊं, ताकि अगर इसमें अगर हम डिटेल में बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको स्पीकर जो है अवेलेबल हो जाता है, आपको IRVM ऑटो डिमिंग IRVM अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंदर ब्लूलिंग SOS और रोड साइड असिस्टेंस के 3 बटन आपको दिए हुए हैं इसके अंदर। बेस वेरिएंट से ही आपको ब्लूलिंग कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाती है, कनेक्टेड कार टेक। और यहाँ पर 10.25 इंच की टच स्क्रीन आप देख सकते हैं। AC वेंट्स आपको सेम क्रेटा में मिलते हैं, वैसे ही इंटीरियर लगभग सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 आपको थीम फ्रंट, अगर आप थीम देखेंगे तो 3 आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। नॉच देख सकते हैं, नॉच जो दी है जो आपको किया सेल्टोस में नहीं मिलती, ये नॉच मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, ताकि अगर आप स्पीड पर हो तब ये कहीं ना कहीं यूज़ होता है। अगर को ड्राइवर साइड ड्राइवर तो अगर उसमें यूज़ कर सकता है। ये सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। वायरलेसली आपको नहीं मिलते हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये चीज़ इसमें एक बहुत ही हुंडई वालों को दे देनी चाहिए थी, एक दिक्कत वाली बात है। ब्लूलिंक कनेक्टिविटी आप इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर कंपास, नेविगेशन इनबिल्ट आपको नेविगेशन अवेलेबल हो जाता है। एम्बियंट लाइटिंग आपको अवेलेबल हो जाती है 56 कलर में, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अगर मैं बताना चाहूँगा वो भी सारे फीचर्स, तो लगभग आधा घंटे से ऊपर भी लंबा वीडियो बन सकता है। एयर प्योरीफायर इसमें गाड़ी में आपको अवेलेबल हो जाता है, फ्रंट और रियर में दोनों ही में आपको, अगर आप गाड़ी जैसे ऑन करते हैं स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर पीछे से भी आप रियर से भी कंट्रोल इसको कर सकते हैं, वो भी आपको टच दिया हुआ है। यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग रेड कलर में आप देख सकते हैं, 56 कलर में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस पर लाऊंगा डिटेल में आपको बता पाऊंगा, इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो का मैं बताऊंगा। ग्लव बॉक्स की साइज आपको डिसेंट मिलेगी, उसके ऊपर आप देख सकते हैं एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। ऑटो आपको हैंडब्रेक मिलता है ऑटोमेटिक वाला, जो आपको हैंडब्रेक नॉर्मल नहीं मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यह सेफ्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। लगभग 15 लाख के ऊपर सभी गाड़ियों में यह कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे यह फीचर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कंपास में भी आप थीम वगैरह पे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको देखना है तो मैं i20 पे लाया हूँ वीडियो, उसमें सब मैंने एडजस्ट करके बताया है। आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप कंपास देख सकते हैं MID में भी। तो यहाँ पर रियर व्यू अपन चालू कर लेते हैं, और 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको अवेलेबल हो जाता है। फोर कैमरा से इस गाड़ी में आते हैं, 2 साइड मिरर में और फ्रंट और रियर में। यहाँ पर फ्रंट कैमरा चालू है और राइट साइड आप देख सकते हैं ऊपर से जो कैमरे की थीम बन रही है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर से फ्रंट का आ गया और यहाँ पर साइड मिरर में, दोनों ही मिरर में, और ये रिवर्स। यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ दी हुई है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी है, और अगर इससे भी अगर कोई बोले कि डिसेंट क्वालिटी है, ठीक ठाक है, लेकिन मेरी मेरा हिसाब से इतनी डिसेंट है, इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे के फिर मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि आपको फ़ोटो तो खींचना नहीं है इसके अंदर से। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉर्मली इतने सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको अवेलेबल हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है यार। यहाँ पर ऊपर की तरफ सन ग्लास होल्डर आपको अवेलेबल हो जाता है, एंड लाइट्स जो है वो वाइट कलर में मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छी लाइट्स हैं ये, इनका ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छी है। नॉर्मली इन गाड़ियों में आपको हैलोजन मिलती है, वो सही नहीं लगती है। ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है, सेम क्रेटा की तरह, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगती है। सेकेंड रो सीट तक एक्सटेंड है, ताकि सेकेंड रो सीट पैसेंजर भी अच्छे से इनको मज़ा ले सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ का। ब्लूलिंग एक्टिवेट नहीं है, लेकिन नहीं तो मैं आपको बताता, हेलो ब्लूलिंक ओपन दिस सनरूफ। यहाँ पर आपको एडजस्ट कर सकते हैं लाइट्स कब ऑन करनी है, डोर वगैरह पे यहाँ पे अलग अलग आप सेट कर सकते हैं, सनरूफ खोलना है कि ब्लाइंड खोलना है, उसके हिसाब से बटन से ही, एक ही बटन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड को आप रोक भी सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिरर अवेलेबल हो जाता है, लैंप अवेलेबल नहीं होता है, एक थोड़ी दिक्कत वाली बात लगी मुझे। लैंप दे देना चाहिए था। ऑल सिक्स जितने भी हैं आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। रिवर्स गियर आपको, 6 गियर आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल हो जाता है पेट्रोल इंजन में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको अवेलेबल हो जाता है इस गाड़ी के अंदर। और इसके जो सराउंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी है, वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी स्टेयरिंग वगैरह में। और बाकी जो क्रेटा में है उसमें आपको नहीं मिलती है, उसमें मैट फिनिश देती है, जो कि बहुत ही चीप क्वालिटी की है, बहुत ही बेकार लगती है। यहाँ पर एसी वेंट देख सकते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको अवेलेबल हो जाता है, और यहाँ पर एसी वेंट्स यहाँ ड्राइवर साइड आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, और आप सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको निशान भी आ रहा है, बता भी रहा है। तो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर, और यहाँ पर भी आपको एम्बियन लाइटिंग अवेलेबल हो जाती है। एम्बियन लाइटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है इस गाड़ी को, एक प्रीमियम वो मर्सिडीज वाला लुक प्रोवाइड करा रही है। रिवर्स गियर के जाते हैं, और यहाँ पर सेम आपको रियर व्यू मिरर की तरह सेम ही आपको यहाँ पर 360 कैमरा अगर आप गियर गिराएंगे तो मिलेगा। तो बहुत फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर, एक्सप्लेन करते करते दिन निकल जाएगा आज। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्वालिटी आप चेक कर लें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी को ऑफ कर देते हैं और पिछली सीट पे जाते हैं और देख लेते हैं कैसा आपको स्पेस अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि अगर फ्रंट में फीचर वगैरह दे दिया लेकिन स्पेस अगर नहीं दिया तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो चलिए डोर को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको इंटीरियर डोर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रोम नहीं छोड़कर आपको सिल्वर फिनिश यहाँ पे दी है, कुछ यूनिक ट्राई किया। यहाँ पर कर्टेन्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और प्रीमियम जो फील है वो कर्टेन आपको देते हैं, और यूजफुल भी है ताकि आपके अंदर धूप ना आए। और डोर हैंडल्स बहुत ही अच्छे दिए, बोस के स्पीकर मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखें सेगमेंट से तो इससे बेस्ट आपको टाटा हैरियर में और सफारी में मिल जाते हैं, क्योंकि वो हरमन के हैं थोड़े, ये डिसेंट है बोस के, मतलब टक्कर के तो हैं लेकिन उस हरमन के टक्कर में नहीं है। स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर सेकेंड रो में डिसेंट स्पेस है, 6 फीट मेरी हाइट है, मैंने आगे भी सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट की है, और उसके बाद इतना स्पेस बचता है तो डिसेंट है, इतनी ज़्यादा स्पेशियस है यूँ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर आपको एलईडी लाइट, सिंगल एलईडी यहाँ पर दी हुई है, बहुत ही अच्छी लगती है सिंगल वाइट लाइट, मुझे पर्सनली इंटीरियर में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका इंटीरियर है, बहुत ही तगड़ा आपको एक फील देता है, रफ एंड टफ।
और जो डोर्स हैं वो थोड़े हल्के हैं एज ए क्रेटा जैसे आपको मिलते हैं। थर्ड रो में हम आ चुके हैं और सीट्स को ऑफ कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसा सीटिंग कंफर्ट मिलता है। स्पेस तो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, बचा है मेरे लिए। मैं 6 फीट हाइट है, उसके अकॉर्डिंग दो बच्चे बैठ सकते हैं लास्ट में, एडल्ट का बैठना मुश्किल है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। यहाँ पर फैन स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं लास्ट पैसेंजर, थर्ड रो पैसेंजर के लिए। USB पोर्ट और यहाँ पर भी फास्ट USB पोर्ट, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मुझे नोटिस मैंने की, यहाँ पर सीट बेल्ट को प्लेस करने के यहाँ पर चीज़ दी हुई है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नॉर्मली अगर आप बाहर अंदर निकलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इधर उधर झूलते रहते हैं, तो इनको प्लेस करके हम बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलना थोड़ा टफ है, यहाँ पर बटन को प्रेस करेंगे और हम बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर निकलना टफ ज़रूर है, हाइट वाला बंदा तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, इसलिए आप तो बेहतर है पीछे बच्चों को ही बिठाएं। तो चलिए बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। 180 लीटर का समथिंग आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि डिसेंट है। स्पेसियस तो नहीं बोल सकते इस गाड़ी को, क्योंकि नॉर्मल क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे ही बनाया है। भले प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लेकिन स्पेशियस इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे आपको इनोवा वगैरह आती है, XV वगैरह आती है। इनोवा का कोई तोड़ ही नहीं है स्पेशियस के मामले में। 8 सीटर वो आती है, 8 सीटर और 7 सीटर वर्जन में। बैक लुक मुझे तो अच्छे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इंजन चेक कर लेते हैं, 2.0 लीटर का आपको नया इंजन अवेलेबल हो जाता है। जो लुक्स आप देख सकते हैं इसके अंदर, 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 160 BHP समथिंग प्रोवाइड कराता है। इंसुलेशन भी दिया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर एक ज़रा भी आपको नॉइस नहीं मिलती है। एक और चीज़, इस गाड़ी को आप की से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब होल्ड टू स्टार्ट आपको की से ऑटो स्टार्ट का बटन आपको मिल जाता है। ब्लू लिंक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है तो। तो ये तो कुछ इसके फीचर्स वगैरह गाड़ी मैंने आपको दिखा दी। कैसी लगी आपको गाड़ी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक और 6 एयरबैग और ABS EB डिटेक्शन कंट्रोल वगैरह सारे ही आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। और टॉप वेरिएंट और इसमें सेफ्टी फीचर लगभग सेम ही है। इसमें अब बेस वेरिएंट से 360 डिग्री कैमरा व्यू जैसे फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट थिंग, इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं। बेस वेरिएंट का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, प्रेस्टीज का आप जो देख रहे हैं, प्लेटेनियम, इसके ऊपर आपका जो वेरिएंट आता है वो है सिग्नेचर, उसका बहुत ही जल्द हम रिव्यू लाएंगे। तो ये है मिड वेरिएंट, इसमें लगभग सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। 2-3 फीचर्स की कमी है, वो जब मैं सिग्नेचर का रिव्यू करूँगा इसके टॉप वेरिएंट का तब आपको बता दूँगा। तो ये थी हुंडई अल्काज़ार, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, जो SUV फील को ये देती है। बड़ी गाड़ी के पास आप खड़े हो ऐसा लुक आपको प्रोवाइड होता है, बाकी वो क्रेटा तो आपको दबी दबी सी फील होती है। अगर आपका बजट इतना हो तो ज़रूर आप इस गाड़ी पे जाएं, एक बार चलाएं, देख लें। तो ये था कुछ वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये हुंडई अल्काज़ार लेनी है तो स्क्रीन पर आए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।